थ्री क्वेश्चंस। कंट्री नीड्स वुमेन डॉक्टर्स एंड वुमेन इंजीनियर फॉर फॉर इट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, और कोई एरर नहीं, तो नो एरर। ए बी सी और डी, नो एरर। सेकेंड, अ फ्यू हैंड्सफुल ऑफ पीपल हैव ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। Every one has not got all the food stuffs he or she needs. B, C, और नो एरर। सारे क्वेश्चन आसान है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। वन बी, टू का ए, टू का ए, टू का ए, वन का बी। ओके, अच्छी बात। सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, जज्बाती होके जवाब नहीं देना है, जज्बाती होके जवाब बिल्कुल नहीं देना है। मिला सारे जवाब? थ्री का भी जवाब आ गया। सबका जवाब थ्री का नहीं आता, इसलिए मैं सबका इंतजार कर रहा था कि सबका जवाब आ जाए, फिर मैं बात करूं। तो अ कंट्री नीड्स वुमेन डॉक्टर्स एंड वुमेन इंजीनियर फॉर इट्स ऑलराउंड डेवलपमेंट। ऑलराउंड का मतलब क्या होता है? सर्वांगीण, चौतरफा, बहुमुखी। तो कोई सबको पता कि सब ये कहता है कि भाई कोई भी देश अगर अपना चौमुखी विकास करना चाहता है तो उसको वुमेन डॉक्टर, वुमेन इंजीनियर सबकी जरूरत है। महिला डॉक्टर भी, महिला इंजीनियर को ज्यादा ज्यादा, तभी तो लगे महिला इंजीनियर की संख्या बहुत कम है, महिला डॉक्टरों की संख्या भी बहुत कम, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है। तो गलती वुमेन डॉक्टर तो ठीक है, अब कुछ लोग उसमें उल्टा ही कर देते, ये में गलती करके आ जाते हैं कि
ई एन जो है उसको ए एन करके आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। जबकि गलती इसमें क्या है, बी में, कि जैसे वुमेन डॉक्टर्स लिख रखा है वैसे इसमें क्या होगा, वुमेन इंजीनियर्स, कि दोनों प्लुरल होगा, वुमेन डॉक्टर्स एंड वुमेन इंजीनियर्स, बी में गलती है। फर्स्ट का क्या है, बी में गलती है। अब यही सवाल देखिए कि एक एक वीक पहले अगर यही क्वेश्चन आया होता तो पता ही नहीं चलता क्या कहना चाह रहा था, और लोग ए और बी में कंफ्यूज रहते कि किसको करके आए, क्या करके आए, और अब कितने लॉजिक के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप बता देते हैं गलती है। ए फ्यू हैंड्स फुल, यही पहले आता तो यही सही लगता, ये ठीक है, अब ये गलत लग रहा है, ये हैंड्स फुल की जगह क्या हो जाएगा, हैंडफुल्स। और एवरी वन हैज नॉट गॉट ऑल द फूड स्टफ्स, फूड स्टफ खाने की वस्तु, खाने की वस्तु का क्या होगा, फूड स्टफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो फूड, फूड स्टफ, एस यू एस टी यू डबल एफ, एस टी यू डबल एफ, और अगर इसमें लगना भी होता तो क्या लगता है, एस, फूड स्टफ्स, यानी कि एफ को भी एस बदल देंगे। हम कहना क्या चाहते हैं कि एवरीवन हैज नॉट गॉट ऑल द फूड स्टफ्स ही और सी नीड्स, कि हर इंसान, कुछ लोग तो इसमें सी में गलती करते हैं, ही और सी क्यों लिखा भाई, एवरीवन लिखा तो दे लिख दो यहाँ पे, नीड लिख दो यहाँ, तो बहुतों की बात, कुछ लोग एवरीवन यहाँ पे हैज की जगह हैव करके आ जाते हैं, जबकि एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर ही लगता है, एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, कुछ लोग यहाँ पे हैज को हैव करके आ जाते हैं, एवरीवन है ना, सबकी बात हो रही है ना, इसलिए हैव लगा, लेकिन एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। तो क्या था कि हर व्यक्ति के पास उतने सभी भोजन की चीजें नहीं है जो उसको जरूरत है, हर इंसान के पास भोजन की उतनी चीजें नहीं है जिसकी उसको आवश्यकता है, जिसकी उसको जरूरत है, जिसकी उसको आवश्यकता है, जिसको जिसकी उसकी जिसको उसकी जरूरत है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर। पिछले क्लास में मैंने आपको कंपाउंड नाउन का सरल बता दिया था, कंपाउंड नाउन का सिक्स टाइप से हो सकते हैं कंपाउंड नाउन, और सिक्स के जो बनने थे वो सिक्स के सारे बता दिए। अब इसमें चलते चलते एक चीज और ध्यान रखना है, नहीं तो वो कंफ्यूजन कर देगा। जैसे हम लिखते हैं मैन ईटर, मैन ईटर, या वोमेन ईटर, या मैन हिटर। अब इन सब का क्या बनेगा, इनका प्लुरल कैसे बनेगा, इनका प्लुरल कैसे बनेगा, इसका जो है इसका प्लुरल कैसे बना है? तो इसमें पहले बात समझ लीजिए, ये जो पहले हम लोग पिछली क्लास में लिखे हैं मैन सर्वेंट, और इस वर्ड में पहले अंतर है, इसलिए मैंने आपको कल ये बताया था, ऐसे मीनिंग बताया था, जो मैन है वही सर्वेंट है, जो सर्वेंट है वो मैन है, यही कहा था ना, जो मैन है वही सर्वेंट है, जो सर्वेंट है वो मैन है, यही कहा था पिछली क्लास में इसमें। लेकिन इस वर्ड को अगर आप देखेंगे इसको, तो जो मैन है वो ईटर नहीं है, और जो ईटर है वो मैन नहीं है, यानी मैन कोई और है, ईटर कोई और है, ईटर जो है, जो भी ईटर है वो मैन को खाता है, यानी ईटर कोई और है और वो खाता क्या है, मैन को। यहाँ जो ईटर है, ईटर कोई और है, वो खाता क्या है, वुमेन को। यहाँ हेटर क्या है, नफरत करने वाला कोई और है, नफरत किसको करता है, मैन को। मतलब ये सब जो वर्ड है और ये जो वर्ड है वो एक नहीं है, यहाँ पे जो मैन था वही सर्वेंट था, या जो सर्वेंट है वही मैन है, लेकिन यहाँ जो ईटर है वो वुमेन नहीं है, ईटर कोई और है और वो खाता किसको है, वुमेन को। यहाँ पे ईटर कौन है, कोई और है, और वो खाता क्या है, मैन को। तो इसलिए इन सब वर्ड में ये जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और ये सारा इसका मेन वर्ड है। तो मेन वर्ड में किसको प्लुरल बनाते थे, पहला रूल था, मेन वर्ड में किसको बनाते हैं, मेन वर्ड को प्लुरल बनाते हैं, लिखा था पहला रूल यही था। तो इसलिए इसका प्लुरल कैसे बनेगा, मैन ईटर्स, इसका प्लुरल कैसे बनेगा, वोमेन ईटर्स, इसका प्लुरल कैसे बनेगा, मैन हेटर्स। जैसे हमने अभी लिखा था वुमेन डॉक्टर, तो वुमेन डॉक्टर का मतलब क्या, जो वुमेन है वही डॉक्टर है, जो डॉक्टर है वो वुमेन है। हमने लिखा वुमेन इंजीनियर, इसका मतलब जो इंजीनियर है वो वुमेन है, जो वुमेन है वो इंजीनियर है, यही बात तो थी, क्लियर हो गया।
तो अब कंपाउंड नाउन से लगभग जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड थे सब आपके सामने आ गए। इसका मीनिंग देखिएगा, मैन ईटर के दो मीनिंग है, मैन ईटर के दो मीनिंग है। मैन ईटर का एक मतलब होता है आदमखोर, आदमखोर मतलब इंसान को खाने वाला। तो मैन ईटर में वो सारे एनिमल आ जाते हैं जो कि इंसान को, स्त्री को, पुरुष को, बच्चे को, किसी को भी खा, स्त्री को खाया तो भी मैन ईटर ही है, पुरुष को खा गया मार के तो भी मैन ईटर ही है, बच्चे को मार के खा गया तो भी मैन ईटर ही है। मैन ईटर नरभक्षी, नरभक्षी में सब आ जाते हैं। एक मीनिंग तो ये हुआ नरभक्षी। और मैन ईटर का दूसरा मतलब होता है वुमेन को भी हम लोग कहते हैं, मैन ईटर हम लोग वुमेन को भी कहते हैं, मैन ईटर वुमेन को भी कहते हैं। अबे वुमेन को मैन ईटर कैसे कहते हैं, क्या कहने का सेंस, मैन ईटर वुमेन कैसे हो सकती है, इंसान को कैसे खाएगी? तो हम लोग कहते हैं अच्छा बहुत खूनपुती है पत्नी, ऐसा ऐसा नहीं है, यहाँ दूसरा 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 सेंस है। उस औरत को या उन सभी औरत को हम लोग वुमेन ईटर कहते हैं, या वुमेन कहते हैं, सॉरी मैन ईटर कहते हैं उन सभी, जैसे आपने फिल्म देखा होगा सात खून माफ या इस तरह का और देखते हैं। तो मैन ईटर स्पेशली वुमेन को कहा जाता है, और ऐसे वुमेन को कहा जाता है जिनका कई मेल के साथ अफेयर्स हो, रिलेशंस हो, तो ऐसे वुमेन को हम लोग मैन ईटर कहते हैं। ठीक है, ऐसे वुमेन जिनका कई मेल के साथ रिलेशन हो उसको मैन ईटर कहते हैं। इसी तरह से वुमेन ईटर, वुमेन ईटर कोई जानवर नहीं होता, मैन ईटर में ही आ गया वो नरभक्षी, इसमें कि स्त्री पुरुष बच्चे सबको खाता है। अब कोई जानवर ऐसा नहीं है जो वुमेन को चुन चुन कर खाए, इसलिए वुमेन ईटर का एक ही मतलब है, वुमेन ईटर का एक ही मतलब है, और वो मतलब होता है वुमेन ईटर का मैन। यानी मैन ईटर के तो दो मीनिंग है, एक नरभक्षी और एक वो औरत जिसके कई अफेयर्स हो, और मैन वुमेन ईटर का लेकिन एक ही मतलब है, और वो मतलब क्या है, मैन, ऐसा मैन जिसके कई वुमेन के साथ रिलेशंस हो उसको वुमेन ईटर कहते हैं। मैन हेटर तो समझ रहे हैं, मैन हेटर का मतलब है जिसको इंसानों से नफरत हो, घृणा हो, उसको मैन हेटर कहते हैं। ठीक, ये थी बात। अब थोड़ी सी और गहराई में चल के बात करें, अब धीरे धीरे बातें और गहरी होती जाएगी, इंपॉर्टेंट और गहरी, जितनी हम आगे जाएंगे बात उतनी ही इंपॉर्टेंट होती जाएगी, और गहराई में बात उतनी ही चली जाएगी, उतनी गहराई में बात चलती जाएगी। अब क्या है, अब हमें देखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कैसे वर्ड्स हैं भाई। तो अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि आई कैन नॉट विन द इलेक्शन, आई कैन नॉट विन द इलेक्शन बिकॉज माय पॉलिटिक्स आर not good, A B C और कोई गलती नहीं है तो no error। A, और आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है ना, अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है सबको, तो आप ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बच्चों को भी प्रमोट करें, अपने सारे फ्रेंड्स को, अधिक से अधिक फ्रेंड्स को ऑनलाइन क्लास। इम्पैक्ट अकेडमी देखिए, आप जहाँ जहाँ इम्पैक्ट अकेडमी है वहाँ आपको डाउट नहीं होगा, वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा किसी सब्जेक्ट का। इंग्लिश के तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इंग्लिश में कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें कि आपको प्रॉब्लम हो जाए और उसका सोल्यूशन मैं ना कर पाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो और ऑनलाइन क्लास में क्या फ़ायदा है कि आप घर बैठे कभी भी क्लास को आगे पीछे कर कर देख सकते, और जब टीचर ठीक से ना पढ़ाता हो तब ऑनलाइन में नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ना कितनी आसानी से बातें क्लियर हो सकती हैं, घर बैठे लोग कितनी आसानी से बातें समझ सकते हैं। और अगर कोई डाउट होगा तो उसको बताने के लिए मैं हमेशा लाइव आकर बताता रहूँगा, जब भी कहीं बाद में भी दिक्कत होगी तो। रिकॉर्डेड क्लासेस भी जब आप देखेंगे और कोई बच्चा ये कहेगा कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें लाइव आकर उस क्लास को बता दो, तो उसके लिए भी इम्पैक्ट अकेडमी तैयार है। अकेडमी वाले मुझे बता देंगे सर एक बार लाइव आ जाओ, इसको ये डाउट दूर दो, तो मैं आके दूर कर दूंगा डाउट। तो इसलिए या व्हाट्सअप करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, तो आप अधिक से, और एक तो देखोगे कि ज़्यादा डाउट होती नहीं क्योंकि मैं इतना फास्ट पढ़ा ही नहीं रहा हूँ कि आपको समझ में ना, और एक एक चीज़ मैं खुद क्लियर करके बता दे रहा हूँ, इसलिए बता दे रहा हूँ क्लियर करके कि मुझे ऐसा लगता है, मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि मान लो कि बच्चा अगर मुझसे ना पूछ पाए तो भी उसको डाउट ना हो, ये मेरे दिमाग में चल रहा है, कोई बच्चा शर्म के मारे, दूरी की वजह से कुछ भी हो, ना पूछ पाए तो भी मैं इस तरह से ना पढ़ाऊँ कि कुछ भी ऐसा रह जाए जो बच्चों को समझ में ना आए, इसलिए मैं हर चीज़ को बहुत छोटे लेवल पे जाके बताता हूँ।
बहुत आसानी से बताता हूँ, और जो बताता हूँ वो सारे बुक्स में मिलेगा भी नहीं। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, आप ग्रामर की कोई बुक खरीद के देख लो, एक कोई बुक या दो कोई खरीद के लो, चाहे किसी का, इतनी बातें नहीं मिलेगी, इतनी बातें आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं जो आप पढ़ा रहा हूँ उसमें कई ग्रामर का निचोड़ है, कई ग्रामर का। तो इसमें क्या जवाब दे रहे हो? थ्री का बी सिंगुलर होना चाहिए। कल तो आपने बहुत स्मार्टनेस से जवाब दे दिया था, आज लगता है मेरी जाल में फंस गए। कल आप लोगों ने बहुत सही जवाब दे दिया था, आज फंस गए जाल में। आपको लगता है कि मैं इतने आसान सवाल पूछूंगा आपसे, इसमें आर को आप इज कर दोगे बात सही हो जाएगा? आपको लगता है कितने इतना हल्का सवाल मैं आपसे पूछूंगा? इतना लॉजिक तो कोई लगा लेगा कि भैया आर की जगह इज होना चाहिए। तो टॉपिक शुरू होने से पहले जब मैं सवाल पूछूं तो समझ जाओ कि उतना आसान नहीं होगा जितनी की बात है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर है। अब यही चीज आप मुझे बताना था, क्योंकि सबको पता है पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स इज सब बोलते हैं। तो अब आप खुद इसका मीनिंग समझो, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। तो आपको ये बताया गया ना कि सब्जेक्ट हमेशा सिंगल होता है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स सिविक्स ये सब बताया गया ना। तो अगर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट मुझे नहीं आता तो मैं चुनाव हार जाऊंगा क्या? अगर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट मुझे नहीं आता, पॉलिटिक्स की डिग्री मेरे पास नहीं है, पॉलिटिकल साइंस मैंने बीए में नहीं किया, तो मैं चुनाव हार जाऊंगा क्या? तो ऐसा सेंस है ही नहीं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब पॉलिटिक्स के साथ इज कब लगता है, पॉलिटिक्स के साथ आर कब लगता है, ये समझने की बात है। मैथमेटिक्स के साथ इज कब लगता है, मैथमेटिक्स के साथ आर कब लगता है, इकोनॉमिक्स के साथ इज कब लगता है, इकोनॉमिक्स के साथ आर कब लगता है, ये समझना। इज तो सबको पता है लेकिन आर भी लगता है, लेकिन कब लगता है? स्टैटिस्टिक्स है, इसके साथ इज कब लगता है, आर कब लगता है, दोनों बातें समझनी है, दोनों बातें समझनी है, दोनों बातें हम लोग समझेंगे, ठीक है? दोनों बातें तो अभी तक आपको एक पता था, इसलिए आपने बता दिया पॉलिटिक्स इज। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों सही है ये अगले आधे घंटे में आपको पता चल जाएगा, या एक दो क्लास में पता चले, क्योंकि इसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैं जो हमें बताने जा रहा हूँ वो इंग्लिश ग्रामर के नंबर चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके तो इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं कि आपको क्वेश्चन देख के याद आ जाएगा, अरे हाँ ये तो क्वेश्चन आया है। इतने ज्यादा क्वेश्चन आए अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, खूब क्वेश्चन पूछा है इससे। होता क्या है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन है जो एस लगा रहने के बावजूद भी सिंगुलर ही होता है, एस लगा लेकिन हमेशा सिंगुलर ही होता है, और साथ साथ फिर कुछ ऐसे भी नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही होता है, ठीक है? कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर ही होता है, और कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही होता है। दोनों तरह के नाउन है, दोनों ही तरह के नाउन है। कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर ही होता है, और कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही होता है, हमेशा सिंगुलर हमेशा प्लूरल। अब ऐसे नाउन कौन कौन से? कुछ हमेशा सिंगुलर और कुछ हमेशा प्लूरल। और इसमें से खूब क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपने सुना होगा ट्राउजर्स या सीजर्स टोंग्स, इस तरह के कई चीजें आपने सुना होगा, पैजामास, बहुत अभी सब आएगा धीरे धीरे, अभी सब सब कंसेप्ट के साथ आएगा। तो पहला पॉइंट तो हम लिखते हैं, देयर आर सम नाउन्स दैट एंड इन एस और ईएस बट आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। पहले इसको लिख ठीक से लिखिए, फिर मैं इसका मीनिंग बताता हूं क्या है कि देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स दैट एंड ई एन डी एंड इन एस और ईएस बट आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। देयर आर सम नाउन्स दैट आर ऑलवेज
there are some nouns that end in s or es but are always singular and take a singular verb. अगर इसका मीनिंग लिखे हम, लिख लीजिए पहले फिर मीनिंग बताता हूँ. लिख लिया सबने? अब इसका हिंदी मीनिंग अगर देखें, हिंदी मीनिंग भी लिखना तो लिख लीजिए, हिंदी मीनिंग भी साथ साथ लिखना तो लिख लीजिए कि देयर आर सम नाउन्स, कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा एस या ई एस से खत्म होते हैं. कुछ ऐसे नाउन हैं जो एस या ई एस से खत्म होते हैं लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं. कुछ ऐसे नाउन हैं जो एस या ई एस से खत्म होते हैं. कुछ ऐसे नाउन हैं जो एस या ई एस से खत्म होते हैं. एस या ई एस से खत्म होते हैं और हमेशा सिंगुलर होते हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं. मतलब कहने का ये है सेंस कि जैसे बचपन से अगर आपने सुना होगा कि नाउन में एस लगने से नाउन प्लुरल हो जाता है, अगर आपने ऐसा सुना तो ये आपको बहुत कई जगह पे फंसा सकता है. बहुत जगह पे नहीं फंसा है तो कम से कम कई जगह पे फंसा सकता है. यानी इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन है जिसमें एस भी लगा होता है और वो हमेशा सिंगुलर भी होता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी होता है. मतलब एस लगे रहने के बावजूद भी, एस लगे रहने के बावजूद भी कुछ ऐसे नाउन है इंग्लिश में जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है. नाउन भी वो हमेशा सिंगुलर है, वर्ब भी ऐसा सिंगुलर है. और इस तरह के वर्ड्स को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. तीन कैटेगरी में, पहला सब्जेक्ट्स, कि कोई भी सब्जेक्ट हो अगर एस खत्म हो, इसीलिए आपने पॉलिटिक्स के साथ इस कहा था कि सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं इसको, नॉर्मल हम लोग पॉलिटिक्स भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको सिविक्स कहते हैं. कुछ लोग क्या 9-10 के बुक में पढ़िएगा तो कभी कभी इसको सिविक्स कहते हैं, या कभी हम लोग दूसरा सब्जेक्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स, या हम कहते हैं फिजिक्स, या हम कहते हैं एथिक्स, या हम कहते हैं अकाउंट्स. ये सारे सब्जेक्ट है आपको पता है, फिजिक्स, एथिक्स, या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स. एक तो ये सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स और एक सब्जेक्ट एस्टेटिक्स. एस्टेटिक्स भी सब्जेक्ट है. अगर आप फिजिक्स वगैरह मैथ वगैरह से ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो एस्टेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है, एस्टेटिक्स एटसेट्रा. तब ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये सारे क्या है, सिंगुलर है. सारे सब्जेक्ट के नाम है पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट के नाम लिख लीजिए. अब इसीलिए अगर कोई कहेगा मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, तो हमने लिख रखा है सब्जेक्ट के रूप में चर्चा होगी तो सिंगुलर होगा. सब्जेक्ट के रूप में चर्चा होगी तो सिंगुलर होगा. मैथमेटिक्स एक मजेदार सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक मजेदार सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में चर्चा हो रहा है तो इसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है. मैथमेटिक्स हम सब्जेक्ट के रूप में चर्चा कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स को प्लूरल करने की जरूरत नहीं है. तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज, क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज, ठीक है, मैथमेटिक्स इज. क्लियर है, मैथमेटिक्स इज लिख लिया. तो कोई भी सब्जेक्ट हो, अब ये जरूरी नहीं कि एस लगा रहेगा सब्जेक्ट तभी सिंगुलर होगा. सब्जेक्ट का नाम है, एस लगा है तो भी सिंगुलर है, और एस नहीं लगा है तो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो भी सिंगुलर है. वैसे भी सिंगुलर है, बता रखा कि सब्जेक्ट का हमेशा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर है.
ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री, एस में एस नहीं लगा रहे, फिर भी वो सिंगुलर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सिंगुलर है। या तो हम लोग एस वाले की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को के दिमाग में ये रहता है कि एस लगा है तो नाउन प्लूरल है, तो इस चीज को बस दिमाग से खत्म करने के लिए कि नहीं भाई, एस लगा हुआ बहुत सारा ऐसा नाउन है जो कि सिंगुलर भी हो सकता है, क्योंकि दिमाग में क्या है कि नाउन है और इसमें एस लगा है तो प्लूरल होता है। बहुत सारे लोग के दिमाग में फिक्स ही है कि नाउन में अगर एस लगा है तो नाउन प्लूरल ही है, तो इसी चीज को बताने के लिए कि नहीं, कि सारे नाउन ऐसे नहीं है कि उसमें एस लगा है तो प्लूरल ही है, बहुत सारे ऐसे नाउन है जिसमें कि एस लगा है और फिर भी वो प्लूरल नहीं है, बहुत सारे ऐसे नाउन है जिसमें एस लगा है और वो प्लूरल नहीं है। क्लियर? एक तो हो गया सब्जेक्ट्स, लिख लिया सारा, सब लिख लिया होगा सब, एक है सब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट, दूसरा इसी में है डिजीजेस, बीमारियां। सबको बात समझ में आ रही है ना, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? आसान है ना इंग्लिश, मजेदार है ना इंग्लिश, डिफिकल्ट नहीं है ना, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं ना इंग्लिश, ऐसा नहीं लगता इंग्लिश बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, कौन पढ़े यार इंग्लिश, ऐसा नहीं लग रहा है ना, जितना ही पढ़ा आप नाउन पढ़ रहे हैं, नंबर पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं यार कि बोरिंग सब्जेक्ट है, लग रहा है ना कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझने लायक सब्जेक्ट है, इसको प्यार से पढ़ा जाए तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, अगर प्यार से पढ़ा जाए, समझ के पढ़ा जाए तो, दिमाग लगा कर, रटने की जब बात आती है ना तब दिक्कत है, समझ समझ के पढ़ते रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझ, और ऐसा नहीं कि इंग्लिश में रटने की चीज नहीं है, कई चीजें इंग्लिश में रटने की भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें इंग्लिश में पहले समझने की है फिर रटने की है। कोई डिफिकल्टी नहीं है किसी को, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी तो अभी अभी बता लो या बाद में बता सकते हो, मतलब कभी बाद में दिक्कत हो तो भी, अभी तक जो क्लासेस हुई, अब ऐसा तो नहीं लगता कि शुरू में एक दो क्लास तो बहुत आसानी से पढ़ाया, अब ज्यादा क्लास हो गए तो 30 क्लास से ऊपर हो गए, कभी ऐसा लगा कि सर मन से नहीं पढ़ा रहे हैं, अब सर ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगा या सब अब हमारे लिए नहीं पढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है, हमेशा मैं आप ही के लिए हूँ, लास्ट क्लास तक आप ही के लिए हूँ, जो पूछेंगे आपको उसका जवाब मिलेगा कहीं भी, और हर क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज हो, लेकिन जब मैं उसको पढ़ाऊं तो आपको ये ना लगे कि ये डिफिकल्ट था, सारी बात मेरे पढ़ाने का यह मकसद होता कि भले मैं बहुत डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ऐसे अंदाज में पढ़ाऊंगा कि आपको लगे तो बहुत आसान चीज पढ़ा रहे हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, भले मैं बहुत डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बॉडी लैंग्वेज से या बोलकर आपको ये एहसास कभी नहीं होने दूंगा कि मैं ग्रामर की डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहा हूँ, जो डिफिकल्ट, जैसे मैं बोलूंगा डिफिकल्ट है या बहुत इम्पोर्टेंट ये है तो आप थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, फिर क्या लगता है कि समझने वाली भी चीज को वो भी डिफिकल्टी हो जाएगी आपको, इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते पढ़ लेना चाहिए, मुश्किल से मुश्किल चीज, नो डाउट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डिजीजेस, डिजीज का मतलब क्या होता है? बीमारी। तो बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिसका नाम एस से खत्म होता है, जैसे हम कहते हैं रिकेट्स, तो रिकेट्स में तो एस ही आएगा ना, या एक बीमारी का आपने नाम सुना होगा जो पूरी दुनिया को बहुत डरा के रखा था, डायबिटीज, ये एड्स, ये हम कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज कई बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है, डायबिटीज देख लीजिए स्पेलिंग क्या है, डायबिटीज बहुत बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछ चुका है डायबिटीज, तो डायबिटीज बार बार पूछता रहता है, स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा इसका, डायबिटीज को, तो रिकेट्स, एड्स, डायबिटीज, ये हम कहते हैं मम्स, ये हम लोग कहते हैं मीजल्स, तो ये सारा क्या है? बीमारी का नाम है, और ये सब में एस लगा है, लेकिन सारे के सारे क्या है? सिंगुलर है, सब बीमारी के नाम है, सब में एस लगा है और सब सारे के सारे सिंगुलर है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लिया, रिकेट्स बीमारी का नाम है, डायबिटीज बीमारी का नाम है, मॉम्स मिजल्स ये सारे क्या है? बीमारी का नाम, और बहुत सारे आपने सुना होगा बीमारी का नाम जो एस से खत्म हो सकता है, तो उसमें कोई ये नहीं, तो ये जितने बीमारी के नाम है अगर वो एस से खत्म, कहते हेपाटाइटिस है ना, हेपाटाइटिस या और दूसरे बीमारी के नाम हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बीमारी जिसका ऐसे नाम खत्म ही नहीं होता, ऐसा नहीं कि सारे बीमारी का नाम ऐसे ही खत्म होता है, एक मिनट, तो कोई भी बीमारी हो जो ऐसे खत्म हो रहा हो तो वो सिंगुलर ही होता है,
अब एग्जाम में क्या करेगा एटसेट्रा, कोई बीमारी कुछ भी ले लिया इसमें, एटसेट्रा कुछ भी, कोई भी हो, अब ऐसे प्यार से लिख देगा, डायबिटीज आर अ साइलेंट किलर, डायबिटीज आर अ साइलेंट किलर, और कोई गलती नहीं तो नो एरर, डायबिटीज आर साइलेंट किलर, और कोई एरर नहीं तो नो एरर। अब इसमें क्या गलती है, क्या एरर है इसमें, तो आसान सा है, डायबिटीज क्या है, डिजीज का नाम है, डिजीज का नाम है तो एस लगा हो, चाहे कल को कुछ भी बोले, कल को आपको दे दे टाइफाइड लिख दे, डायरिया लिख दे, कैंसर लिख दे, कुछ भी लिख दे, या डिसेंट्री लिख दे, या एड्स लिख दे, रिकेट्स लिख दे, डायबिटीज लिख दे, मेनिनजाइटिस लिख दे, मेनिनजाइटिस लिख दे, ठीक है, कुछ भी लिखे, अगर बीमारी का नाम है तो वो सिंगुलर है, और उसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, क्या था क्लियर। तो मतलब ऐसा कोई नाउन जो डिजीज का नाम है, जो किसी बीमारी का नाम है या फिर किसी सब्जेक्ट का नाम है, अगर वो एस से खत्म हो रहा है तो वो सिंगुलर है, समझने का ये मुद्दा है कि कोई नाउन है एस से खत्म हो रहा है लेकिन वो सब्जेक्ट का नाम है तो वो सिंगुलर है, वो किसी डिजीज का नाम है तो सिंगुलर है। या फिर थर्ड कैटेगरी में आता है, सी में आता है, कि अगर वो किसी स्पोर्ट्स एंड गेम्स का नाम है, क्या है, किसी स्पोर्ट्स या गेम्स का, किसी स्पोर्ट्स का नाम है या किसी गेम का नाम है, ठीक है, किसी स्पोर्ट्स का किसी गेम का, तो भी वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, तो भी हमें हमेशा सिंगुलर होता है, हम इसको स्पोर्ट्स का गेम का नाम है, जैसे सपोज करो कि नाम रख दिया टेनिस, टेनिस भी कई बार स्पेलिंग करेक्शन में आ चुका है, टेनिस में लोग सिंगल एन कर देते हैं टेनिस, या हम कहते हैं चेस, या हम कहते हैं कार्ड्स, पत्ते खेलते हैं ना, पत उसमें तो कई लोग बोल देते हैं कार्ड, कार्ड बोल देते हैं, ही इज प्लेइंग कार्ड, कार्ड नहीं होता हमेशा क्या होता है कार्ड्स, तो टेनिस कह रहे हैं, चेस कह रहे हैं, कार्ड्स कह रहे हैं, बिलियर्ड्स कह रहे हैं, कोई भी खेल का जो नाम हो, ये सब क्या है, खेल का नाम है। और इन सब में क्या लगा, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, तो क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में क्या एस नहीं लगा है, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है, लेकिन इसमें कन्वेयर हो जाती है, टेनिस है या चेस है या कार्ड्स है, बिलियर्ड्स है, तो इसमें लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारे एस से खत्म हो रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर है, लिख दिया आई वॉज प्लेइंग कार्ड विथ माय ब्रदर। अब अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो कई लोगों को इसमें गलती नजर ही नहीं आती है कि मैं अपने भाई के साथ पत्ते खेल रहा था, गलती नजर ही नहीं आती, लगता ठीक तो है, आई वॉज प्लेइंग कार्ड, क्योंकि कई लोग कार्ड कार्ड ही कहते रहते, कार्ड खेलो कार्ड खेलो कार्ड खेलो कार्ड खेल रहे, कार्ड खेल रहे हैं, तो कार्ड नहीं होता, पत्ते को कार्ड नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्ड्स, क्या कहते हैं, कार्ड्स, ही वॉज प्लेइंग कार्ड्स, कि पत्ते खेल रहा था, यानी ताश खेल, ताश खेल, तो उसको कार्ड्स कहते हैं, लेकिन बहुत सारे हो सकता है आप भी कार्ड ही कहते हो, कार्ड्स कहते हो अगर पहले से, तब तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, कार्ड से ही काम चला लेते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कार्ड से ही काम चला लेते हैं, तो कार्ड से काम नहीं चलाना चाहिए, ये क्लियर है। तो थ्री ग्रुप हो गए, थ्री टाइप्स के नाउन ऐसे हो गए जो एस से खत्म होता है, जो एस से खत्म होता है लेकिन होता वो हमेशा सिंगुलर है, उसमें सब्जेक्ट के नाम हो गए, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के नाम हो गए, और डिजीज के नाम हो गए, तीन हो गए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी है, सम मोर वर्ड्स, इसको अलग से इसलिए लिखना पड़ रहा है, डी कैटेगरी में इसलिए करना पड़ रहा है कि इसमें और इसके पहले जितने भी पढ़ा उसमें एकदम लॉजिक है, कि सब्जेक्ट है तो सारा सब्जेक्ट है, डिजीज है तो सारा डिजीज है, मतलब पहचानने का एक लॉजिक है, पहचानने का एक नियम है, चलो सब्जेक्ट का नाम है या डिजीज का नाम है या फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स का नाम है, लेकिन अब जो वर्ड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये इन सब से अलग है, जो ना तो स्पोर्ट्स का नाम है, जो ना डिजीज का नाम है, ना ही जो सब्जेक्ट का नाम है, और फिर भी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है हमेशा,
और इसमें जितने वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे ये सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और मैं लिखूंगा तो उसको इसमें अभी जो लिख रहा था इसमें से कई वर्ड एग्जाम में आपको मिला होगा, और अब जो लिखने जा रहा हूँ तो पक्का मिला होगा। ये वर्ड्स क्या है? न्यूज। और इसमें से सारे वर्ड लगभग सबके सुने हुए लोग लेकिन सब गलत ही बोलता है। न्यूज को छोड़कर जितने वर्ड्स आप, और अभी जो वर्ड्स मैं लिखने जा रहा हूँ सब आप डेली बोलते हैं, डेली आप और हम ये सारे वर्ड डेली बोलते हैं लेकिन फिर भी गलत ही बोलते हैं। डेली बोलने के बाद भी हम लोग गलत ही बोलते हैं। न्यूज, इनिंग्स, क्रिकेट खेलने वाले लोग भी इनिंग्स नहीं बोलते, इनिंग बोलते रहते, इनिंग इनिंग, एक इनिंग हो गया, दो इनिंग हो गया, भारत का इनिंग चल रहा है, इनिंग नहीं है वर्ड। क्रिकेट में जो हम खेलते हैं वो इनिंग नहीं है, उसको हमेशा इनिंग्स बोलना चाहिए, हमेशा इनिंग्स। पहला भी है तो फर्स्ट इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग नहीं होता, फर्स्ट इनिंग्स, हमेशा इनिंग्स ही वर्ड है, इनिंग वर्ड ही नहीं। इसके अलावा कोर्ट जो बुलाती है उसको क्या कहते हैं? समन्स। ये तो वैसे ही पूछता है, समन्स। समन्स का मतलब क्या होता है? कोर्ट का बुलावा, कोर्ट का आदेश, कोर्ट जो किसी अपराधी को या किसी मुजरिम को या किसी को भी कहती है भाई अदालत के सामने हाजिर हो, वो जो चिट्ठी भेजती है, लेटर भेजती है, उसको हम समन्स कहते हैं, समन्स, कोर्ट का बुलावा, आदेश। इसके अलावा क्वार्टर्स, हम लोग बोलते रहते हैं मेरे क्वार्टर पे आ जाना, अरे क्वार्टर का मतलब पौवा होता है, पौवा, एक चौथाई, वन फोर्थ। तो क्वार्टर पर कैसे बुलाएंगे, पौवे पे कैसे बुलाएंगे? अगर कहते हैं मेरे मेरे क्वार्टर पे आना, तो मेरे क्वार्टर पे आना मतलब मेरे पौवे पे आना, पौवे पे कैसे आएगा लोग, पौवा का क्या मतलब, वन फोर्थ, एक चौथाई। घर को क्वार्टर नहीं कहते हैं, घर को क्वार्टर्स कहते हैं, लेकिन कितने लोग क्वार्टर्स बोलते हैं? कई कई जगह तो लिखा रहता है स्टाफ क्वार्टर, सत्यानाश हो, सत्यानाश हो, ऐसे लिखने वालों का, जहां लिखना चाहिए स्टाफ क्वार्टर्स वहां पे लिखा रहता है स्टाफ क्वार्टर। और ये एग्जाम में कई बार आता है, तो लोगों को, कई लोगों को तो पता नहीं चलता कि क्वार्टर में गलती है, भाई इसको ऐसा लगाओ, क्वार्टर का मतलब सिर्फ वन फोर्थ होता है, और जब घर की बात करें तो वो क्वार्टर नहीं होता है, क्वार्टर्स होता है, और ये सिंगुलर होता है, क्वार्टर्स होता है और फिर भी सिंगुलर होता है। समन्स में ऐसा लगा है फिर भी सिंगुलर है, इनिंग्स में ऐसा लगा है फिर भी, इसलिए इस टॉपिक का नाम ही था कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें एस लगा ही होता है, इसका एस हटा भी नहीं सकते, और ये सिंगुलर भी होता है। आप सोचेंगे इनिंग्स, इनिंग्स से एस हटा देते हैं सिंगुलर हो जाएगा, न्यूज से एस हटा देते हैं सिंगुलर हो जाएगा, मीनिंग, मीनिंग ही चेंज हो, क्वार्टर से एस हटा देते हैं सिंगुलर हो जाएगा, तो हो तो जाएगा सिंगुलर लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। जैसे एस हटाएंगे क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ हो जाएगा, न्यूज से जैसे ही एस हटाएंगे तो न्यू हो जाएगा, न्यू मतलब नया, कुछ और ही बात बदल गई। समन्स से एस हटता ही नहीं, हमेशा लगा ही रहता है, इनिंग्स में एस हमेशा लगा ही रहता है। हेडक्वार्टर्स, इसको भी देखिएगा, कई लोग तो हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर ही बोलते रहते हैं, हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर नहीं होता, हेडक्वार्टर नहीं होता, क्या होता है? हेडक्वार्टर्स, क्या होता है? हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर नहीं होता है। और हम लोग कहते हैं आर्मी हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर, एकदम गलत है एकदम। और ये तो एग्जाम में बार बार पूछेगा आपको, जानबूझ कर पूछेगा, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर भी होगा, क्वार्टर्स भी होता है, नेवी हेडक्वार्टर्स भी होता है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स भी होता है, पुलिस हेडक्वार्टर्स भी होता है, तो ये तो वर्ड है डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला, और आपको पता है कि हेडक्वार्टर्स नहीं हेडक्वार्टर लिख दिए और हमें पता ही नहीं चलता गलती क्या हो रही, तो बात भयंकर हो जाएगी ना। इसके अलावा एक वर्ड है मीन्स, ये तो कई बार पूछ चुका है, मीन्स, मीन्स, मीन्स का मतलब क्या होता है? साधन। मीन्स का मतलब क्या है? साधन, ठीक है, मीन्स का मतलब है साधन। एक सेकेंड, मीन्स का मतलब क्या है? साधन। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसमें हमेशा एस लगा हुआ है और ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसका एस हटा दिया कहानी खत्म। और इंग्लिश में कैसे पूछेगा, एरर में कैसे पूछेगा, तो ऐसे पूछेगा, इंडिया वॉन बाय एन इनिंग एंड 50 रन्स।
लगेगा ठीक ही तो है, क्या लगेगा? ठीक ही तो है, बिल्कुल लगेगा तो ठीक है, इसमें क्या खराबी है? होना, ये तो होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें क्या गलती हो गई कि एन तो ठीक है लेकिन इनिंग तो कोई वर्ड ही नहीं है। इनिंग के बदले क्या लिखना पड़ेगा? इनिंग्स। इनिंग के बदले क्या लिखना पड़ेगा? इनिंग्स, कि इंडिया वोन बाय एन इनिंग्स एंड 50 रन्स। इंडिया वोन बाय एन इनिंग्स एंड 50 रन्स, ठीक है, एन इनिंग्स एंड 50 रन्स। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर डिसरप्टेड बाय टोरेंशियल रेन्स एंड फ्लड्स। ए बी सी, और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर। अगर ये सवाल पहले पूछा होता तो कम से कम वर में आप गलती नहीं करते, लगता ठीक ही तो है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यातायात के चाहे कितने भी साधन क्यों ना हो, बस हो, कार हो, ट्रेन हो, रेल हो, प्लेन हो, सब यातायात के साधन है, लेकिन मीन्स वर्ड ही इंग्लिश में सिंगुलर है। मीन्स वर्ड ही इंग्लिश में सिंगुलर है, तो इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। चाहिए भले कहा कि यातायात के साधन। डिसरप्ट का मतलब क्या? बाधित होना। डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? बाधित करना या बाधित होना। कि डिसरप्ट बाय टोरेंशियल, टोरेंशियल रेन्स का मतलब क्या होता है? मूसलाधार बारिश। टोरेंशियल, TORRENTIAL, TORRENTIAL, टोरेंशियल रेन्स मतलब होता है मूसलाधार बारिश, जबरदस्त बारिश। एंड फ्लड्स, फ्लड्स का मतलब क्या होता है? बाढ़। कि बाढ़ और मूसलाधार बारिश के कारण यातायात के साधन जो डिस्टर्ब्ड है, बाधित है। तो यहाँ वर नहीं होना था, यहाँ वर नहीं होना था, यहाँ क्या होना था? वॉज। यहाँ वर्ड नहीं चाहिए थे, यहाँ क्या चाहिए था? वॉज। कि द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज डिसरप्टेड बाय टोरेंशियल रेन्स एंड फ्लड्स। टोरेंशियल रेन्स एंड फ्लड्स, कि टोरेंशियल रेन मतलब मूसलाधार बारिश की वजह से ये डिस्टर्ब हुआ, बाधित हुआ। टोरेंशियल रेन्स एंड फ्लड्स, ठीक है, क्लियर है?